हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर में हमने हेरिडिटी वाला पार्ट पढ़ा है। तो हेरिडिटी से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट में लेकर हम लोग आए हैं ताकि हेरिडिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है अच्छे से रिविज़न हो जाए और उसका कोई टॉपिक हमसे मिस ना हो। ठीक है, तो पार्ट बाई पार्ट लेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर एंड नॉट देयर मदर। मतलब बच्चे का जो, यहाँ पे सेक्स का मतलब है बच्चे का जो लिंग होगा, सेक्स का मतलब है कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो बच्चा बॉय होगा या गर्ल होगा ये डिटरमाइन फादर करते हैं, मदर नहीं करती हैं, इस बात को प्रूफ करो। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अब हमें मालूम है कि जो फादर के क्रोमोजोम्स है कितने होते हैं, मान लो ये फादर है, ठीक है, फादर है, मेल लिख लें, ये मदर है, ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल, यहाँ भी 46 होता है तो 44 जो क्रोमोजोम्स होते हैं, 44 ये तो दोनों में सेम होते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला क्रोमोजोम्स होता है वो फादर में क्या होता है, वो फादर में होता है एक्स वाई और मदर में क्या होता है एक्स एक्स। तो ये जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं इसको हम लोग सेक्स क्रोमोजोम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर है कि बच्चे का जो सेक्स होगा whether he is boy or girl, तो ये डिटरमाइन फादर करेंगे, मदर नहीं करेंगे। तो देखते हैं फादर कैसे करेंगे। अब मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था उसके अनुसार जिसमें क्रॉसिंग होगी, एक्स जो है मदर के एक्स से मिलेगा, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, एक्स मदर के सेकेंड एक्स से मिलेगा, दोनों में एक्स, फादर का वाई मदर के पहले एक्स से, एक्स वाई, फादर का वाई मदर के दूसरे एक्स से, एक्स वाई। तो ये जो एक्स दोनों है ये गर्ल है, ये जो दोनों एक्स वाई है ये बॉय है। अब ये बॉय होगा या गर्ल होगा ये कौन डिसाइड करता है, ये फादर डिसाइड करता है। अगर फादर का एक्स कंबाइन होगा मदर से तब तो गर्ल होगा, अगर फादर का वाई कंबाइन होगा मदर के क्रोमोजोम से तब बॉय होगा। ठीक है, इसका आंसर यही है। कैसे होगा ये मैंने बता दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लोग वीडियो पॉज करके देख भी सकते हो। डिफाइन वेरिएशन इन रिलेशन टू स्पीसीज, डिफाइन वेरिएशन इन रिलेशन टू स्पीसीज वाइज वेरिएशन बेनिफिशियल। अब वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेज, मैंने पढ़ाया हुआ है। वेरिएशन क्यों इम्पॉर्टेंस है, तो हम जो है ये वाला जो वेरिएशन का टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो वेरिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है ये देख लो। ठीक है, दे इनेबल ऑर्गेनिज्म, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है, एडवर्स इन्वायरमेंट होता है, प्रतिकूल वातावरण होता है, उसमें जो है वेरिएशन ही जो है हेल्प करता है सर्वाइवल में। ठीक है, वेरिएशन का मतलब मान लो अचानक इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में वेरिएशन ला पाएगा वही सर्वाइव कर पाएगा, जो नहीं ला पाएगा वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन ले लो, कहते हैं कि जो जिराफ थी, जिराफ के जो गर्दन थे वो इस तरह घोड़े जैसे थे, ठीक है, घोड़े जैसे थे इतने, लेकिन जब अचानक इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो जमीन के नीचे आसपास जो प्लांट्स थे, ग्रास थे, वो खत्म हो गए। अब प्लांट कहाँ रह गए, बहुत ऊपर ऊपर पेड़ों पर लीव्स रह गए। अब जिराफ के पास दो चांस था, या तो वो मर जाए भूखे बिना खाने के, या अपने बॉडी में कोई वेरिएशन लाए और यहाँ ऊपर जो ग्रास है इसको खाने की कोशिश करे। तो डार्विन ने बताया था कि ये जो है यहाँ पे कोशिश करता है जंप कर करके खाने की, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी कई सारी पीढ़ियों में ये जिराफ जो है इस तरह ऊंचाई के जो लीव्स थे उसको खाने का प्रयास करते हैं, इस तरह उनकी गर्दन लंबी हो जाती है। तो यही है,
कि चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो वेरिएशन अपनी बॉडी में ला पाएगा वही सर्वाइव कर पाएगा। यही है वेरिएशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। और वेरिएशन से क्या हुआ कि मान लो कोई जनरेशन है, ये पहली जनरेशन है, इसमें कोई जिराफ है, उसकी गर्दन लंबी हो गई, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो जाएगी, तो हेरिडिटी वाली बात आ गई। तीसरा है दे फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे होगा इसके बारे में डार्विन ने बताया था, न्यू स्पीसीज कैसे बनेगी। तो देखो बना ना, जिराफ जो शुरू में थे उनकी गर्दन ऊंची नहीं थी, लेकिन जो बाद में जिराफ बने उनकी गर्दन ऊंची हो गई, है ना, तो ये इवोल्यूशन है। बच्चों थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्टिंग्विश एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड में डिफरेंस बताना है एंड व्हाई आर एक्वायर्ड, और एक्वायर्ड जो ट्रेड होते हैं वो इनहेरिट क्यों नहीं होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड क्या होते हैं देख लिया जाए पहले, कि मैंने बताया था एक्वायर्ड माने जो हम लोग अपने लाइफ टाइम में, जैसे मान लो कि मेरी हैंडराइटिंग बड़ी सुंदर है, खूबसूरत है ना, लेकिन मेरे पेरेंट्स की हैंडराइटिंग तो अच्छी नहीं थी, तो जो अच्छी हैंडराइटिंग है, या मैंने मेरे पेरेंट्स में कोई जो है बहुत अच्छा स्विमिंग नहीं करता था, मैंने किया, मैंने सीखा, तो ये जो स्किल मैंने अपनी लाइफ टाइम में सीखा वो है एक्वायर्ड करैक्टर। और इनहेरिटेड क्या है, जैसे कि तुम लोग देखे होगे तुम लोग का नाक का बनावट, चेहरे की बनावट, बालों का कर्लीनेस या स्ट्रेटनेस या आई कलर, ये सारी चीज़ें क्या है पेरेंट्स से मिलती है, तो वो है इनहेरिटेड। एक्वायर्ड करैक्टर क्या है कि हम अपनी लाइफ टाइम में सीखते हैं, प्राप्त करते हैं, लेकिन इनहेरिटेड ट्रेड जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे हम भूखे रहे और हमारी जो वेट थी काफ़ी कम हो गई, तो एक्वायर्ड ट्रेड है, क्योंकि ये हमें पेरेंट्स से नहीं मिला था, ना ये हमारे बच्चों में जाएगा कि हम कमजोर हैं तो वो भी होगा, नहीं वो खाएगा तो वो अच्छा होगा। इनहेरिटेड ट्रेड क्या है कि वो ट्रांसमिट करती है पेरेंट टू ऑफिस वे में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो इनहेरिट करती है। एग्जांपल क्या है, जैसे कलर ऑफ स्किन, स्किन का जो कलर है, देखो अगर पेरेंट्स का स्किन का कलर जैसा है वैसा बच्चों में हो जाएगा, है ना, एक्वायर्ड ट्रेड कैन नॉट चेंज। एक्वायर्ड ट्रेड में तो जो है डीएनए में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि उसका डीएनए से कोई संबंध ही नहीं है। इसके अलावा हेयर का जो कर्लीनेस है वो भी हमारा इनहेरिटेड है, आई कलर है वो भी इनहेरिटेड है, तो ये तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो एक्वायर्ड ट्रेड होते हैं वो इनहेरिट क्यों नहीं होते, क्योंकि उनका संबंध जीन से या डीएनए से नहीं होता, बस इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर नंबर, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये बताइए। तो देख लो मैंने बताया था कि ये जो है मेल है, यहाँ पे फीमेल है, मेल के जो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं एक्स वाई होते हैं, फीमेल में एक्स एक्स होते हैं। अब इसको जब मेंडल के लॉ के हिसाब से क्रॉस कराएंगे तो हमें जो है एक्स वाई होगा, फिर वाई को इसके दूसरे एक्स से करवाएंगे तो एक्स वाई यहाँ होगा। तो देखो 50% ये जो है बॉय बनेंगे और 50% ये जो है ये एक्स होगा, 50% गर्ल बनेंगे, यही सेक्स डिटर्मिनेशन है, मैंने पीछे बताया था। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अब ब्लू कलर फ्लावर, एक ब्लू कलर का फ्लावर है जिसको हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, उसको एक वाइट कलर फ्लावर से क्रॉस कराएंगे जिसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो पहले आओ क्रॉस कराते हैं, ये रहने दे, हाँ ठीक है, यहाँ से तो एक ब्लू है जिसको कैपिटल बी और कैपिटल बी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल बी है, और वाइट कलर का फ्लावर जो है उसको स्मॉल बी से। अब इसको क्रॉस कराओगे तो देखो क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी जो F1 जनरेशन होगा, ठीक है, जो ये F1 जनरेशन होगा उसमें सारे कैसे मिलेंगे,
सारे कैसे होंगे, ब्लू या व्हाइट, चूंकि कैपिटल बी डोमिनेंट है, कैपिटल बी मीन्स ब्लू, तो सारे ब्लू होंगे, ठीक है, लेकिन हाइब्रिड ब्लू होंगे, है ना, हाइब्रिड माने मिलावटी है, देखो इसमें व्हाइट और ब्लू दोनों है, ठीक। एफ वन जनरेशन में क्वेश्चन क्या है, स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर, एफ वन जनरेशन में फ्लावर का कलर क्या होगा, तो सारे ब्लू होंगे, ठीक है, पहला का आंसर होगा ब्लू। बी क्या है, व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर इन एफ टू जनरेशन, एफ टू जनरेशन का देख लो, अगर इनको सेल्फ पॉलिनेट कराया जाए, ये जो मिले हैं इनको सेल्फ पॉलिनेट करा दिया जाए, तो देख लो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको सेल्फ पॉलिनेट कराया जाए, तो एफ टू जनरेशन में, एफ टू जनरेशन में परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर कितने होंगे ना, व्हाइट फ्लावर, तो कराओ, देखो कैपिटल बी से होगा तो दोनों कैपिटल बी होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी से होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी कैपिटल बी से होगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी से होगा तो स्मॉल बी स्मॉल बी, तो वाइट ये देखो प्योर ब्लू होंगे, ये हाइब्रिड ब्लू होगा, मतलब ये भी ब्लू होगा, ये प्योर वाइट होगा, तो वाइट कितना मिला, एक मिला, अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा, 1/4 × 100, ये आएगा हमारा 25%, ठीक है, ये हमारा आएगा 25%। थर्ड इसका देख लो, स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप, कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी का रेशियो क्या होगा, तो कैपिटल बी देख लो कितना है, एक है, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी कितना है, दो है, तो ये होगा एफ टू जनरेशन में कैपिटल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी का रेशियो 1:2 होगा, तो इसका यहाँ आंसर आएगा 1:2 और इसका आंसर आएगा 25%। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरह से आंसर देने हैं। उसी तरह एक और क्वेश्चन आ गया, इफ वी क्रॉस प्योर ब्रेड टॉल, यानी टॉल को विद प्योर ब्रेड ड्वार्फ से अगर क्रॉस कराएंगे, है ना, यू विल गेट पी प्लांट ऑफ एफ वन जनरेशन इफ यू नाउ सेल्फ क्रॉस, और एफ वन जनरेशन में जो मिला उसका सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो हमें एफ टू जनरेशन में कुछ मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं, करते हैं एक और, ये व्हाट डू द प्लांट ऑफ एफ टू जनरेशन लुक लाइक, एफ टू जनरेशन में जो प्लांट मिलेंगे वो कैसे होंगे, तो देख लो पहले एफ वन जनरेशन का निकलेगा ना, क्या है कि प्योर टॉल है, तो दोनों टॉल है, ये मेल है ये फीमेल है, स्मॉल टॉल, अब इसको करवाओ तो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें प्राप्त होगा, तो एफ वन जनरेशन में सारे कैसे होंगे, सारे टॉल होंगे, ये एफ वन जनरेशन है, एफ टू जनरेशन भी देख ले, अब इनको सेल्फ क्रॉस करवाया जाए इन दोनों को, तो करवाते हैं टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो देखो यहाँ पे होगा दोनों कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल दोनों स्मॉल टी, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ एफ टू जनरेशन, एफ टू जनरेशन के प्लांट कैसे दिखेंगे, तो एफ टू जनरेशन के ये तीनों तो टॉल दिखेंगे, ये वाला डॉर्फ दिखेगा, शॉर्ट दिखेगा, स्टेट द रेशियो ऑफ टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट, एफ टू जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ का रेशियो क्या होगा, तो देखो टॉल 3 है ये 1 है, तो 3:1 होगा, ठीक है, यहाँ इसका आंसर होगा टॉल। फिर स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट फाउंड इन एफ वन जनरेशन, एफ वन जनरेशन में कैसे प्लांट मिलेंगे, तो टॉल मिलेंगे बट अपियर्ड इन एफ टू जनरेशन मेंशनिंग द रीजन फॉर द, यानी एफ वन जनरेशन में कैसे मिलेंगे, टॉल मिलेंगे, एफ टू में कैसे मिलेंगे, अब इन टॉल और इस टॉल में फर्क है, यहाँ पे जो टॉल है ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड माने इसमें जो है शॉर्ट प्लांट के भी जो है जीन्स है, लेकिन वो रेसेसिव फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर जो टॉल है ये प्योर टॉल है, यही डिफरेंस है। अब ये क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल कैन नॉट पास ऑन टू हिज प्रोजनी द एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ टाइम,
मतलब लाइफ टाइम में जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो हमारे बच्चों में नहीं जाता है ना, तो इसको रीजन बताना है क्यों नहीं जाता। वो इसलिए नहीं जाता कि लाइफ टाइम में जो हम कुछ एक्वायर्ड करते हैं, लाइफ टाइम में हम जो कुछ सीखते हैं उसको एक्वायर्ड ट्रेट बोलते हैं, और जो एक्वायर्ड ट्रेट होता है उसका हमारे जीन से, हमारे डीएनए से, उसका हमारे डीएनए या हमारे जीन से कोई रिलेशन नहीं होता, इसीलिए वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है। जैसे कि कोई इफ अ पर्सन रीड्स अ बुक ऑन बर्ड, कोई पर्सन बर्ड के ऊपर बुक पढ़ता है तो उसका जो नॉलेज है बर्ड के बारे में, जरूरी नहीं वो बच्चे में भी जाए, है ना, क्योंकि वो एक वाइल्ड ट्रेट है। यहाँ अ वुमेन हैज ओनली डॉटर, एनालाइज द सिचुएशन जेनेटिकली एंड प्रोवाइड अ सिचुएशन सुटेबल एक्सप्लेनेशन, कि एक महिला की केवल लड़कियां हैं तो ये कैसे हो सकता है, या इसका रीजन क्या है इसके पीछे। तो देख लो ये मेल है, मेल का जो सेक्स क्रोमोजोम्स होता है एक्स वाई होता है, ये फीमेल है, फीमेल का जो एक्स एक्स क्रोमोजोम्स होता है एक्स और एक्स होता है। अब इन दोनों को अगर क्रॉस कराएंगे तो ये एक्स एक्स, ये गर्ल होगा, है ना, मेल का एक्स फीमेल के एक्स दूसरे एक्स से कराएंगे तो यहाँ भी एक्स एक्स होगा, ये भी गर्ल होगा। यानी कि एक महिला के केवल लड़कियां हैं तो उसका रीजन ये है कि महिला की केवल लड़कियां इसलिए हैं क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है, क्रॉसिंग होती है, तो महिला के जो दोनों क्रोमोजोम्स है दोनों एक्स है, पुरुष के एक एक्स है एक वाई है, लेकिन जब क्रॉस होता है तो जो मैन है उसका केवल एक्स क्रोमोजोम्स ही क्रॉस करने के लिए आता है, वाई नहीं आ पाता, यही रीजन है। एक ये है मेरे ख्याल से लास्ट है, हाउ डू वेरिएशन अराइज इन स्पीसीज, वेरिएशन कैसे आता है, मान लो हम लोग अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है ना, वो कैसे आता है, वो कैसे हम डिफरेंट, ड्यू टू रिप्रोडक्शन, तो उसका रीजन क्या है, रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होता है उसकी वजह से वेरिएशन आता है। मेंशन इस इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका एक ही इम्पोर्टेंस है, सर्वाइवल इन द चेंजिंग एनवायरमेंट। वेरिएशन होने से क्या होगा, वेरिएशन होने से क्या होगा कि जो चेंजिंग एनवायरमेंट है उसमें हम लोग आराम से जी पाएंगे, स्ट्रगल कर पाएंगे, फाइट कर पाएंगे, सर्वाइवल, ठीक है। गिव टू एग्जांपल ऑफ ह्यूमन ट्रेट एग्जिबिटिंग, ऐसा कोई दो एग्जांपल बताओ जहाँ पे वेरिएशन देखा जाता है। तो कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन में किसी को देखोगे बहुत ही ज़्यादा वाइट है, या कोई बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है, तो उसको कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं। टाइप ऑफ हेयर, हेयर का टाइप जो है, कलर ऑफ आई है, शेप ऑफ नोज है, शेप ऑफ चिन है, ये सारे जो है वेरिएशन की वजह से ही आते हैं।